नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं। आपको हम अपना टॉपिक भी बताते जाएं, लेकिन उससे पहले शुक्रिया अदा करेंगे हमारे गेस्ट का, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, और हम उनके पॉइंट्स को लेकर भी आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपनी जो आवर है आखिरी, इसमें हम आपकी गुफ्तगू भी शामिल करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम और आज का दौर। हम इसको देखना चाहेंगे, हम गौर करना चाहेंगे। आप भी हमें बता सकते हैं वो कौन से नकात हैं जिस पर जो हम मिस कर रहे हैं आयमा ताहिरीन की जो सीरत है, हम उस पर अमल ना करके आजकल के जो मुसलमान जिस अबतर हालत में पाए जा रहे हैं, क्या यही वजह है कि हम उन पर, चूँकि हमने आयमा ताहिरीन की सीरत पर अमल नहीं किया, इसलिए हम मुसलमान आज इस अबतरी का शिकार हैं। जी अली भाई, बात करेंगे हम आज, हमारा टॉपिक जैसा कि आप जानते हैं कि मासूमीन की सीरत और आज का दौर है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छी बात आपने की, और उसी सिलसिले गुफ्तगू को जहां से कबीला से छूटा था वहीं से मुलक कर दिया कि जहां पर देखें सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम पे अमल ना करने की वजह से हम आज मजमूई तौर पर मिल्लत इस्लामिया पूरी दुनिया के अंदर जिन मसाइब से दोचार है, और ये नौबत पहुंच गई है कि सिर्फ मुसलमानों को ही दहशतगर्द कहा जाता है, और मुसलमानों में से खवारिज की एक ऐसा सिलसिला, एक ऐसा ताता है, वो उसकी दो असबाब हैं। यानी बुनियादी वजह तो यही है कि सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम को आपने अपने नौजवानों में आम नहीं किया, उनको पता ही नहीं ये मकतब है क्या। फिर दूसरी बड़ी वजूहत, उससे जो मज़ीद शाखें निकलती हैं, जब गुमराही होती है तो जहालत भी होती है, जहालत और गुरबत, इन दो चीज़ों ने मिल के जो ये फैक्ट्री लगाई हुई है जहाँ पर प्रोड्यूस हुए चले जा रहे हैं खवारिज, उसका ना थमने वाला सिलसिला है। और अब जिन्होंने फितना शुरू किया था वो भी आजिज़ आ गए, क्योंकि अब उनका भी पैसा ख़त्म होने को है, आले सऊद का पैसा ख़त्म होने को है, वो भी शुरू तो कर दिया उन्होंने अपने आकाओं के कहने पर, मगर अब वो इसको समेट नहीं पा रहे हैं। और बहुत अनकरीब है कि जिन जिन मदारों से तकफीरी फतवे की गूंज सुनाई देती थी वहाँ कवालियाँ हो रही होंगी, आप यकीन करें वहाँ उर्स हो रहे होंगे, ना जाने क्या क्या कर रहे होंगे, क्योंकि इंसान के साथ पेट लगा हुआ है और उसको पैसे चाहिए होते हैं। ये सब भी जो कुछ हुआ है, जो ये नए नए अकीदे आए हैं कि रसूल पे सलवात ना पढ़ो, तो गैर अल्लाह का कुछ ना खाओ, तो ये ना करो वो ना करो, ये सब पेट की मार है। जहाँ से डॉलरों की बारिश हुई, अकीदे लोगों ने बदल दिए और हुलिये बदल दिए, और जब वो पैसा बंद होगा तो दोबारा जो है वो कवाली हो रही होगी और उर्स हो रहा होगा। तो ये अनकरीब इंशाल्लाह जो है वो दुनिया देखेगी, मगर हम बात कर रहे हैं रूट कॉजेस की कि मामला है क्या। मामला है कि सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम को फरामोश किया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से लेकर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की जिंदगानी तक, तमाम एक के बाद एक मासूम अल्लाह ने हादी बरक सिलसिला, हादियान का सिलसिला बरकरार रखा एक के बाद एक मासूम। अल्लाह ताला जानता था कि मेरे बंदों को गाइडेंस की जरूरत रहेगी, हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। आज भी पर्दे गैब से बैठ के इमाम जमाना अरवान अलफिदा हमारे लाखों जो मसाइब हम पर आए उसको रोक लेते हैं, वरना एक जगह अपनी तौकी में इमाम फरमाते हैं कि अगर हम तुम पर से निगाह हटा लें तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हें पीस के रखते हैं। तो बहुत जो है वो कभी भी ज़मीन हुज्जत खुदा के बगैर उससे खाली नहीं रहती, खाली नहीं रहती। ज़मीन पे मासूम का वजूद रहता है, वो और बात है कि हम अपने गुनाहों की वजह से मासूम की ज़ियारत नहीं करते, मगर मासूम हमारी खबरगिरी ज़रूर करते हैं। चाहे सूरज के आगे बादल आ जाएं, हम सूरज को ना देख सकें, मगर सूरज का फैज़ ज़रूर हासिल करते हैं और दिन निकल आता है। अगर सूरज ना निकले तो दिन ही ना हो, रात ही रहे, कहते हैं ना बदली है सूरज नजर नहीं आ रहा, तो क्या मकसद है, सूरज है नहीं, सूरज है हम नहीं देख पा रहे, हमारे उसके आगे बादल हैं, मगर सूरज अपना काम कर रहा है। तो इमाम ज़माना अरवान अलफिदा अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए-गिरामी के लिए पर
تو یہ تمام آئمہ اپنے اپنے وقت میں ایک ہی سیرت کو، سیرت نبوی کو کنٹینیو کرتے رہے ہیں. بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ہم آئمہ کی سیرت پہ جب بات کریں تو ان کو تکلیف ہونے لگتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کوئی نئی چیز انٹروڈیوس ہو رہی ہے. نہیں میرے بھائی، یہ سیرت وہی نبوی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا تسلسل ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو ہیلو ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میری بیٹی لبیک یا حسین؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. میری دا فاطمہ بات کر رہی ہوں کانچی جی بیٹا، جی بیٹا. پور سے. کہاں سے بیٹا؟ میں آپ کو شعر سنانا چاہتی ہوں. بسم اللہ بسم اللہ، سنائیے بیٹا. کون کہتا ہے کہ شبیر کا ماتم نہ کرو، یہ عبادت ہے زیادہ تو کرو کم نہ کرو، واہ. یہ عبادت ہے زیادہ تو کرو کم نہ کرو. فلسفہ تیرا سمجھ میں نہیں آتا ہم کو، سمجھ میں نہیں آتا. حج کرو، عید کرو اور محرم نہ کرو. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہماری چھوٹی سی بیٹی نے بہت خوبصورت اشعار پڑھے. جزاک اللہ، اللہ طول عمر دے انشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہماری بیٹی شامل ہوئی، یہ جذبہ ہے ماشاء اللہ. ہمارے جو گھروں کی تربیت ہے یہ ہے، یہاں سے دیکھیں سیرت معصومین یہاں سکھانی شروع کرتے ہیں. بڑے ہو کر جب ایک انسان کی شخصیت بنتی ہے تو اس کے اندر وہ جھلک نظر آئے. بالکل. یہ نہیں کہ یوں ہی پال کے چھوڑ دیا، اس میں کچھ مل ہی نہیں رہا تو وہ کیا کیا اتنے عرصے، کوئی جواب نہیں. تو ان چیزوں سے خرابی پیدا ہوتی ہے. اب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سیرت نبوی کا تسلسل، آئمہ کی سیرت سیرت نبوی کا تسلسل ہے. آپ وہی سخاوت، وہی بخشش و رحم، وہی کریمی، وہی عنایت، وہی محبت، وہی خلوص، وہی رحم دلی، وہی درگزر آپ سب میں کنٹینیو دیکھیں گے. وہ برادران جو مکتب تشیع سے نہیں ہیں، بعض حب اہل بیت شدید رکھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں. ہم ہر اس قوت کو دونوں ہاتھ کھول کے ہم جو ہے وہ کو ویلکم کرتے ہیں، ہر اس قوت کو جو پروردگار نے جن کی محبت کو واجب کیا تھا، جو ان سے محبت کرتے ہیں، جن کی محبت کو خدا نے واجب کیا ہے اور وہ اس واجب پہ عمل کرتے ہیں، خدا نے جن کی تعظیم کو واجب کیا، جن کی اطاعت کو واجب کیا، وہ لوگ، وہ قوتیں ان کی تعظیم کرتی ہیں. ہم دونوں ہاتھ کھول کے ان کا استقبال کرتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وحدت کی بات ہو رہی ہے تو کوئی کہیں سے خدا نخواستہ دشمنان آل محمد سے بات ہو جائے گی، یزیدیت سے قیامت تک بات نہیں ہوگی. یزیدیت کے درمیان ہمارے درمیان تلواریں الحمدللہ قیامت تک رہے گی. علی بھائی، ایک شاید میرے ذہن میں آنے والا یہ کوسچن ہے، مجھے روزمرہ کی زندگی میں اس کو جو ہے اکثر سامنا کرنا پڑتا ہے. جب دلیل ہم یہ دیتے ہیں کہ کہا گیا کہ اجر رسالت تو کچھ نہیں مانگتا سوائے اپنی قرابت داروں کی محبت کے، تو جب یہ کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو قرابت داروں سے محبت کرتے ہیں، ہم نے تو نہیں یہ کہا کہ ہم نہیں محبت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں مرود الزام ٹھہرایا جائے؟ بہت اچھی بات ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محبت کرتے ہیں، یقیناً وہ محبت کرتے ہوں گے، ہم سوئے ذہن نہیں رکھتے، مگر یہاں محبت سے مراد اطاعت ہے. ان کا کہا مانو، محبت تو بہت سارے لوگوں سے کرتے ہیں، اصل محبت کی جو اصل ہے، جو مغز ہے، وہ اطاعت. میں کہنا کتنا مانتا ہوں، محبت کی جا رہا ہوں، مانتا ہے کہ نہیں، یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. کالر کو پہلے شامل کر لیتے ہیں، اس بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام. عمران فضل صاحب نوٹنگھم سے پرسہ پیش کریں گے، بسم اللہ. بڑا اچھا ٹاپک ہے، اور یہ میرے کیا کہتے ہیں جس جستجو پہ میں ہوں، یہ اسی جستجو میں بھی اسی طرح کے پیغامات اپنی کمیونٹی میں ہمارے اہل سنت بھائی. بات علی بھائی یہ ہے کہ جو ہمارے اہل سنت کے پاس جو لوگ ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ بےچارے ہماری طرح ہی ہیں، نو ڈاؤٹ. اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو وہ ایسے ہی روئے گا، وہ ایسے ہی زنجیر مارنا شروع کر دے گا، کیونکہ دین اہل بیت جو ہے وہ حقیقت ہے، اور جو بندہ حقیقت کے نزدیک چلا جائے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ میں کہاں تھا. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جتنے ہمارے اہل سنت سے مومن ہوئے ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہماری آنکھیں کھول دی کسی نے اور در حقیقت میں آ گئے. اور جو ہمارے اہل سنت کے عالم ہیں،
बस वही है जो वो कहते हैं कि जो किसी के जहन में पुट डाल देता है ना, वो उसी को वो ही निकाल सकता है, दूसरा कोई नहीं निकाल सकता। हम लोग नहीं निकाल सकते पुट जो इनके जहन में डाल दिया है इनके उलमाओं ने, और वो वही निकाल सकते हैं। जैसे मिसाल देता हूं कि जज के सामने जो सरकारी वकील होता है वो जज को पूरी गाइडेंस देता है कि ये जी ये एक मुजरम है, जिसने ये जुर्म किया इसको ये सजा मिलनी चाहिए, और दूसरा वकील जो होता है वो उसके जहन से पुट निकाल रहा होता है, वो जज को सेटिस्फाई कर रहा होता है कि ये हकीकत की तस्वीर ये नहीं है, तस्वीर का दूसरा रूप ये भी है। तो वो जो वकील होता है वो उसके जहन से जज के जहन से वो पुट निकाल के हकीकत बयान कर देता है। और हमारे साथ भी यही है, हमारे जो अहले सुन्नत हैं भाई हैं वो बेशक मैं कहता हूँ बहुत अच्छे हैं, सिर्फ ये है कि अब सबके पास इल्म नहीं है, एजुकेशन नहीं होती है, सबको लाई लग है। कई तो ऐसे भी हमारे अहले सुन्नत जिनसे पूछे कि जी आपको दुरूद आता तो वो कलमा सुना देते हैं, और यकीन करें सिर्फ जाहिलियत की वजह से इन्होंने जाहिलियत पे रखा हुआ है अवाम को, हमारे अहले सुन्नत को, वरना तो वो ही बेचारे हमारी तरह के इंसान है जो नबी पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन जो मिक्स किया हुआ है ना, वो 50-50 करके दीन दे दिया हुआ है, वो उसके पीछे बेचारे भागेंगे क्योंकि उसके पीछे अक्सरियत है। और अल्लाह ताला कुरान में अक्सरियत को कहता है कि वो ख्वाहिशात पे होते हैं, गुमराह होते हैं, तो बेचारे ये भी नहीं कहते, वो तो वो क्या कह लफज है एक, वो कहते हैं कि हम वो हैं। तो कहने का मकसद कि सबसे पहले कि दीन का पता होना चाहिए हर इंसान को कि दीन क्या है, और उसके बाद जो पढ़े लिखे हमारे अहले सुन्नत के लोग हैं वो इन चीजों को तस्लीम करते हैं, जो पीरों के पीछे नहीं लगे ना किसी आलमों के पीछे लगे, वो उनकी अपनी तहकीक है, वो उसके बाद देखते कहते ये हक है, ठीक है। और बात वही पे आ जाती है जाहिली, जैसे इमाम जैनुल आबदीन ने करबला के बाद मदरसा खोल दिया कि ये जो जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ इल्म की वजह से हो रहा है, तो सबसे पहले इनको इल्म आना है। मैं कहता हूँ अहले सुन्नत जो है वो अपना ही पढ़े, अपने दीन को पूरा पढ़े जितने भी हैं, और उसके बाद फिर हमारे दीन को देख लें। और ये जो हमारे अहले सुन्नत के उलमा हैं, अल्लाह ताला परवरदिगार इनकी मगफरत करे, मुझे नहीं लगता होगी, जिन्होंने सारी जिंदगी अहले सुन्नत को ना कुरान की तालीम दी, सिर्फ रट्टे लगवा दिए कुरान के, और ये इन चीजों पर कायम रखा कि उसके खिलाफ बोल रहा है, यहां तक कि वो हमारा टीवी नहीं देखने देते लोगों को। हमारे कई रिश्तेदार हैं अहले सुन्नत है मेरी वाइफ की तरफ से, वो आते हैं तो टीवी पर हदाय टीवी लगा हो तो वो उसको उधर चले जाते हैं, भाई टीवी नहीं देखना, फिल्म में जाना है बैठना, अगर अल्लाह रसूल बात करे तो सुन लेनी, अगर कोई और बात करे तो उठ के चले जाना है। बहरहाल मैं किसी की तोहिन करने नहीं चाहता, बहरहाल इसमें जज नहीं कर सकते, एक आयत है कि नहीं नहीं आयत है बाकायदा कि बाज़ लोग जो है मतलब खुदा ने उनको बेवकूफ़ों से करार दिया कि हिदायत से मुंह मोड़ के चलते हैं। मैं बहुत एहतियात एहतियात से गुजर रहा हूँ। बहरहाल क्या मैं भी यही कहना, मैं कहता हूँ आप, मैं हम प्यार करते हैं, हमारे सबसे पहले तो देखे जी हम मौला अली के मानने वाले हैं, मौला अली का जैसे उन्होंने मिस्र में गवर्नर को भेजा था तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे दीनी भाई भी उधर हैं और तुम्हारे तुम्हारे इंसानी भाई भी हैं, ये हमारे अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, चाहे ये हमें कुछ भी कहें हम इनको भाई कहते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत अच्छी माशाल्लाह गुफ्तगू इमरान फैजानी की। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुम अस्सलाम मौसी भाई। जनाब नकवी साहब कहाँ गए हैं? मैंने आपको भी सलाम हो जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया नकवी भाई। बस कुछ जो टाइम है आगे पीछे हो गया हुआ था, माजरा चाहता हूँ। मौसी भाई आज आपका टॉपिक बड़ा खूबसूरत है, और मेरे ख्याल में जब से आप ज़ियारत से होके आए, अल्लाह ताला पहले तो दुआ करूँ कि आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए और आपकी हर दिली नेक ख्वाहिश को पूरा करे अल्लाह ताला। और मेरे ख्याल में उम्मीद रखता हूँ कि मेरे लिए भी दुआ मांगी होगी आपने। बेशक बेशक बेशक, बिल्कुल सही उम्मीद है। तो आज आपका टॉपिक है सीरत मासूमीन अलैहि सलाम और आज का दौर। मुसी भाई अगर एक मिनट दें तो मैं एक बात करना चाहता हूँ कि ये सीरत मासूमीन है क्या, पहले तो ये देखना है क्या सीरत मासूमीन यही है ना कि अमर बिल मारूफ नहीं अल मुनकर पे बात अमल करो,
यही है ना, और अगर ये इसी पे अमल करोगे तो आपको सीरत मासूम पे चलने का रास्ता मिल जाएगा। अब अगर देखा जाए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने से चले थे, करबला में पहुंचे, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि यजीद ने मुझसे बैत मांगी है तो मेरी जात का तल्लक है तो मैं उसके जवाब देने के लिए आया। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा था कि उम्मत की इसलाह करने के लिए आया। तो उम्मत की इसलाह क्या थी कि यजीद की वजह से उम्मत में नहीं अल मुनकर अमल बिल मारूफ पे अमल होना बंद हो गया हुआ था, अमल करना छोड़ दिया था, जुल्म बर्बरियत बढ़ गई थी। तो इमाम ने कहा था कि मैं इस पे उम्मत की सलाह करने आया हूँ। लेकिन जब वो करबला में पहुंचे तो करबला में पहुंच के उन्होंने ये नहीं कहा कि यजीद मैं तेरी बैत से इनकार करने आया, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा था कि तेरे जैसा मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं करेगा। इसका मतलब उन्होंने स्टैंप लगा दी इस बात पे कि क्यामत तक अगर कोई भी हुसैनी होगा किसी यजीदी की बैत नहीं करेगा, बेशक ये स्टैंप लगा दी उन्होंने। अब हमने ये देखना है आज के दौर में कि जब ये स्टैंप लगा दी गई कि मेरे जैसा तेरे जैसे की कभी भी बैत नहीं करेगा, तो यही आज के दौर में हमने देखना है कि क्या जो अल्लाह का दीन, अल्लाह के रसूल का दीन और इमाम हुसैन का जो फरमान और मिशन है जो उस पे अमल करने वाला है, क्या वो किसी यजीद के आगे झुकेगा, क्या वो किसी यजीद की बहस करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टैंप हमारे इमाम मौला हुसैन ने लगा दी हुई है। और देखना इस बात का है कि आज के दौर का यजीद जो 1400 साल से सफयानी दौर से चला आ रहा है, उसने उस वक्त भी यजीदियत का बर्बरियत का एक रास्ता अख्तियार किया और आज भी वो कर रहे हैं। इस तरह कर रहे हैं कि उनके पास अगर सुहाबा नहीं है तो उन्होंने यहाँ तक कर दिया यार, जुल्म की इंतहा देखो इस बात की, नफरत रसूल के दीन की, अल्लाह के दीन की नफरत देखो क्या है कि जो रसूल पाक के सुहाबा थे उनको भी मारा गया उनके दौर में, और अब जो उनके आ रहे हैं यजीदी टोले आ रहे हैं अब तक, उनका खून जिसके रगों में है वो आ रहा, आज भी रसूल पाक के सुहाबा की कब्रों की बरामदी कर रहा है और उनकी कब्रों में उनकी लाशें निकाल के बरामदी कर रहा है। इससे बढ़ के और क्या नफरत आप देख सकते हो और यजीदियत को देख सकते हो? और अब भी हम लोग इस बात को ना पहचाने और एक लाइन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खींच के चले गए हैं कि अल्लाह का दीन है तो इधर आ जाओ और हुसैनी दीन में आ जाओगे तो ये वो दीन है जो अल्लाह रसूल पाक ने कहा था कि मेरा पहला भी मोहम्मद, दूसरा भी मोहम्मद, आखिरी दिन मोहम्मद, मेरे सारे के सारे मोहम्मद है। इसका मोहम्मद मतलब है कि मोहम्मद ही दीन पर इमाम हुसैन की जो लाइन खींची गई थी, अब हमने फैसला करना है कि क्या मैं हुसैनी दीन जो अल्लाह का दीन है उस पे आना है या हमने यजीद के दीन पे जाना है जो दीन 1400 साल से स्वाबा की जिंदगी में स्वाबा को जलील है मारता आया और उनको कत्ल करता आया और उनकी बरमती करता है और आज भी उनकी कब्रों की बरमती कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आप भी हम फैसला ना कर पाए और यजीदियत का साथ दिया तो ये हमारी बदकिस्मती होगी, ये हमारी सोच का फतूर होगा, नामिलमी होगी और ये हमारे लिए दोजक का बहस बनेगा। अब फैसला करना तो मेरे भाई आप खुद कर लो कि आज के दौर में यजीदियत को अपनाना है या हुसैनियत को अपनाना है। हुसैनियत को अपनाओगे तो दीन भी मिल जाएगा, अल्लाह भी मिल जाएगा, रसूल भी मिल जाएगा, इमाम हुसैन भी मिल जाएंगे, आखिरत में मिल जाएगी। और यजीदियत को जाना चाहते हो तो रास्ते खुले हैं, वहां काबे में आप जूतियां पहन के सजदा करने की भी आपको इजाजत होगी, रोल्स रॉयस पे बैठ के आप कंकरियां भी मार रहे मिलेंगे, दुनिया की आशीषरत तो यजीद क्या कहा था एक स्वाबी ने कि अगर इबादत करने का मजा लेना है तो मौला के नाथ के पीछे पढ़ो, इबादत करो, नमाज करो, अगर मुर्ग मुसल्लम खाने का मजा लेना है तो फिर माविया के दस्तरखान पे जाओ। तो इसका मतलब है अगर मुर्ग मुसल्लम लेना चाहते हो तो फिर रास्ता इधर है, काबे में जूतियां भी पहनो, कुर्सियां भी बिछाओ, रोज राय जाके मारो, जाके कंकरियां भी मारो और जहादी निकाह भी करो, तुम्हारी ऐशो इशरत है। और अगर प्यासे रह के इबादत करनी है तो फिर हुसैनी रास्ता है, ये अल्लाह का रास्ता है, अब आपकी मर्जी है। थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, जजाकल्ला। बहुत उम्दा गुफ्तगु नकवी साहब ने की और एक बात जो है वो मैं बिल्कुल इसी से मुतसिल है, एक कॉलर हमारे साथ है पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं सुहेल बात कर रहा हूँ। सुहेल भाई जापान से। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, पेश करता हूँ सबको।
जी हमारी तरफ से भी कुछ सुन लीजिए। आज के टॉपिक के हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा बिस्मिल्लाह कि सीरत मासूमीन के हवाले से कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में देखे क्या क्या उनके साथ जुल्म हुए, लेकिन उनका जो इखलाक था वो औरत का बड़ा मशहूर वाक्य है कि जब वो बीमार हुई तो आप वो उसके घर तशरीफ ले गए। और इसी तरह देखें कि जब करबला से इमाम ज़ैनुल्लाबिदीन अलैहिस्सलाम वापस आए हैं तो मदीना में खाना तकसीम कर रहे थे अपने घर पे, तो एक शख्स बैठा था, जब उसे खाना दिया तो उसने कहा कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं कि मैं तो करबला में आपके बाबा और आपके जनाबे मारने वालों में से अली अकबर का कातिल था। जी सुहेल भाई, आप या तो होल्ड कीजिए या हमें एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक का टाइम हो चुका है, आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जी नाज़रीन, बिल्कुल एक मुख्तसर से ब्रेक पर जाएंगे, वापस आते हैं। या हुसैन